नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हमारी चर्चा में और आप सुन रहे हैं 94.8 एलिजेंस FM। मैं राशि सोनी और तन्वी गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 कॉमर्स, आज चर्चा करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी समस्या गंदगी एवं कचरा। कहाँ से आता है ये कचरा, कौन फैलाता है ये कचरा, इसका जवाब इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है ये पता करना कि इस कचरे का किया क्या जाए। जी हाँ, हम इसी मुद्दे पर आप सभी से बात करने जा रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें उन्नत शहरों और जंगलों के बीच अंतर दिखाया जाता है और हमें सोचने पर मजबूर किया जाता है कि अगर जंगल इतने साफ सुथरे हो सकते हैं तो हमारा शहर क्यों नहीं। इंसान जो कि बुद्धिमान प्राणियों में शीर्ष पर है, क्या वह इतनी सी बात नहीं समझ सकता? यकीनन हम सभी इस बात को समझते हैं और सफाई के महत्व को जानते हैं। अगर हम हमारे घरों की बात करें तो वे साफ सुथरे एवं चमकदार हैं, तो हमारे शहर इतने साफ क्यों नहीं? अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, शहर की सफाई को लेकर हमारी उदासीनता। हम सभी शहर को साफ देखना चाहते हैं लेकिन सफाई के लिए किसी और पर निर्भर है। हमें लगता है कि सफाई का काम सरकार और सफाई कर्मचारियों का ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे भी इसी समाज का एक हिस्सा है। जब तक हम सभी मिलकर एकजुट प्रयास नहीं करते, हम कभी भी अपेक्षित परिणामों की कल्पना नहीं कर सकते। चलो मान लिया कि यह काम केवल सरकार एवं सफाई कर्मचारियों का नहीं है, यह भी मान लिया कि मिलजुल कर प्रयास ना करने पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, तो क्या झाड़ू लेकर निकल जाएं? अरे नहीं नहीं ऐसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने स्तर पर छोटे छोटे से प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे पॉलीथीन का उपयोग बंद हो, जिससे कि प्लास्टिक के कचरे पर रोक लगाई जा सके, और तो और कपड़े की थैली का प्रयोग करें, सड़कों पर कचरा न फैलाए, डस्टबिन का उपयोग करें एवं सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें। और तुम्हें लगता है कि ये सब करने से शहर स्वच्छ हो जाएगा और शहर चमकने लगेगा? देखिए, शुरुआती स्तर पर यह काम कारगर तो साबित हो सकता है, लेकिन हमें अगर हमारे शहर को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है तो और भी प्रभावी कदम उठाने होंगे। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को एक बार कर पाना इतनी भी आसान नहीं है, यह भांति भांति के लोग भी हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ भांति भांति के लोग तो हैं, लेकिन उनमें भी शहर को साफ करने का जज्बा तो होगा ही। अब अगर तुमने बात की है कि इतनी बड़ी आबादी को एकमत कैसे किया जाए, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि कोई भी बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति से ही पूर्ण होता है। बातें कुछ समझ तो आ रही है, लेकिन फिर भी राह आसान नहीं होगी। अरे अगर काम मुश्किल ना हो तो करने में मज़ा भी कहाँ है। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक शहर की कहानी। सफाई और कहानी, बहुत खूब, चलो सुना। तो बात 2014 से पहले की है। इंदौर, इसका नाम भी देश के उन्हीं शहरों में शुमार था जहाँ पर गंदगी के ढेर, आवारा पशु, धुआं, धूल सब आम था, लेकिन इंदौर के लोगों का जज्बा, सफाई कर्मचारियों की मेहनत एवं नगर निगम की प्लानिंग ने इंदौर को 6 बार लगातार साफ शहर का दर्जा दिलाया। अरे हाँ, सही कहा तुमने, और वहाँ की आबादी भी तो कुक्षी से कई ज़्यादा है, लेकिन इस चमत्कार का राज क्या है? बहुत आसान है, छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति और मोटिवेशन। अब देखिए, लोगों को पैसे की भाषा समझती तो उन्होंने भी वही किया। उन्होंने इंदौर के 85 वार्ड में एक कॉम्पिटिशन रखा और क्लीनेस्ट वार्ड को 1 करोड़ का प्राइस देने का शुरू किया। रिजल्ट, सब ने अपना अपना वार्ड साफ रखा, और तो और जो लोग कचरा करते उन पर भी फाइन लगाया, और तो और जब स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम आए तब उसमें चमत्कारिक रूप से इंदौर सर्वप्रथम आया। आज इंदौर की बात करें तो सबसे बढ़िया सीवरेज सिस्टम उनका है, हर कोने पर पब्लिक टॉयलेट्स लगवाए हैं, और पब्लिक टॉयलेट की स्वच्छता भी ऐसी कि देखते ही बनती है। और तो और उन्होंने वहाँ पर ई बस भी चालू कर दी, जिससे उन्होंने प्रदूषण को भी कम कर दिया। और तो और यह जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने उस कचरे की कमाई का साधन भी निर्मित कर लिया। उन्होंने वेट वेस्ट को कंपोस्ट किया और ड्राई वेस्ट को रिसाइकल और एक्सपोर्ट भी किया, और उससे पैसे भी कमाए। और तो और आज इंदौर अपने कचरे की मदद से एनर्जी भी बनाता है। सच में
अगर लोगों ने दिल पर ले लिया तो हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें लगता है हमारी कुक्षी के लोग हमारे शहर को स्वच्छ करने के लिए कुछ करेंगे? अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरी मानो तो कुक्षी के लोगों में इतना जुनून है कि अगर वे ठान ले तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे शहर के लोग भी कुक्षी को साफ रखने के लिए एकजुट प्रयास कर सकते हैं और कुक्षी को इस जिले का ही नहीं बल्कि इस देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना सकते हैं। तो आइए प्रण करें, ना हम कचरा फैलाएंगे ना किसी को फैलाने देंगे, और साथ ही संकल्प लें कि हम पॉलिथीन का भी उपयोग नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।